खबर डांडी से देखेंगे, जहां पर मजदूर पिता की बेटी ने गांव के बच्चों को शिक्षित करने का एक ऐसा जुनून है जिसे आज लोग सलाम कर रहे हैं। कई लोगों ने उनका मनोबल गिराने की कोशिश भी बहुत की, लेकिन वे लोग सफल नहीं हो पाए। आखिरकार अब मंत्री भी इस बेटी की कार्यशैली की प्रशंसा कर रहे हैं। गुजरा गांव की नीलिमा श्याम 2 सालों से गांव के सैकड़ों बच्चों को पढ़ा रही है। उन्होंने खुद के खर्च से दीवारों पर अंक, गणित, हिंदी, अंग्रेजी भाषा की तमाम जानकारियों को लिखा है। नीलिमा का मानना है कि गांव की गलियों में बच्चे जब खेलते रहते हैं तो उनकी नजर दीवारों पर पड़ेगी और बच्चे जल्द ही सीख पाएंगे। आपके माध्यम से पता भी चला है कि बच्चे इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारे जनपद परिवार की ओर से माननीय अनिल भेड़े की तरफ से उनको और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि अपने ब्लॉक, अपने गांव, अपने मोहल्ले में और अधिक अधिक से अधिक वो ये सब ज्ञान और अलग चीज लिखे और बच्चों का शैक्षणिक गतिविधियों में हमेशा भी शामिल रहे। क्योंकि बच्चे थोड़े दिन रुकने के बाद, पढ़ाई रुकने के बाद वो लोग भूल जाते हैं, है ना। इसीलिए मैं दिवालियों पर लिखी ताकि वो बच्चे, उनके साथ साथ भी दूसरे बच्चे भी पढ़े और आगे बढ़े। उनके मम्मी पापा जो भी है उनकी शिक्षा का सम्मान करे, सबको पढ़ाए अच्छे से, है ना। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिए जो लेखन सामग्री में जो आवश्यकता पड़ती है या बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, उसको मैं इसके लिए उपलब्ध करा सकूँ।